नेपाल की क्रिकेट टीम चाइना के लिए एशियन गेम्स 2023 खेलने के लिए रवाना है, वो हो चुकी है। आप सभी को पता होगा कि एशियन गेम्स 2023 है, वो चाइना के अंदर खेले जाएंगे, जहां पर नई पिच का सामना है वो सभी क्रिकेट टीम को करना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां पर उसका जो स्टेडियम है वहां पर कोई भी टीम आज तक है वो नहीं खेली है, चाहे नेपाल की हो, चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मुकाबला है वो हमें देखने को मिल सकता है। और जो नेपाल की टीम अभी रवाना हुई है चाइना के लिए, तो उसके जो कैप्टन है रोहित पोडेल, तो उनका एक बहुत तकड़ा स्टेटमेंट है वो सामने आया है, जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है अपनी टीम के लिए। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो हम आपके इसी बात में जिक्र करेंगे, और किस प्रकार की तैयारी है वो नेपाल की चल रही है, क्योंकि नेपाल के अब 3 दिन बाकी हैं ओनली। तो क्या प्रोग्रेस है वो नेपाल की चल रही है, कैसी तैयारी वो चल रही है, और मोंटी देसाई है उनका भी स्टेटमेंट है वो सामने आ रहा है गोल्ड मेडल को जीतने के लिए, और जो कुछ संशय भी बने हुए हैं, एक तो ललित जो राजवंशी हैं उनके संशय बने हुए हैं कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और एक जो दूसरे प्लेयर हैं काफ़ी मतलब समझदार बॉलर हैं जो संदीप लेमिछाने हैं, उसका भी संशय बना हुआ है कि किस प्रकार वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सभी बातें की जिक्र है वो इसी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जी मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ट्रू टेज, जहाँ पर आपको नेपाल की सभी सच्ची खबरें बताई जाती हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो अभी जो फिलहाल न्यूज़ आ रही थी ललित जो राजवंशी है उनकी और संदीप लेमिछाने की, तो वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो ललित राजवंशी है उनका संशय तो अभी तक बना हुआ है, क्योंकि वो अभी क्या है कि इंजर्ड हुए हैं, तो उनका पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो उनकी कोई भी पक्का है वो नहीं कह सकते हैं। और संदीप लेमिछाने हैं उसका संशय क्लियर हो चुका है, संदीप लेमिछाने एशियन गेम्स 2023 के अंदर एंट्री है वो ले चुके हैं। संदीप लेमिछाने इस मैच के अंदर भी खेलेंगे, जो पहला मैच है नेपाल का वो नेपाल वर्सेज मंगोलिया का होगा, और मंगोलिया को जीतना नहीं उसको मतलब खदेड़ना है, नेपाल की एक एम है, मतलब उसका जो टारगेट है वो मंगोलिया को बेहतर और मतलब बुरी तरह हराना है मंगोलिया को, वो नेपाल का टारगेट है। और जी मैम बात कर लेते हैं हम कि जो मोंटी देसाई हैं और जो नेपाल के कैप्टन हैं रोहित पोडेल, उनका क्या स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जिक्र है वो करने वाले थे। तो इसका जिक्र ये हो रहा है कि नेपाल के जो खिलाड़ी जा रहे थे चाइना के अंदर, तो उसके जाने से पहले जो नेपाल क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं रोहित पोडेल, तो उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था, वो बोल रहे थे उस टाइम कि हमें अगर जा रहे हैं हम एशियन 2023 खेलने के लिए, तो हमें ओनली गोल्ड मेडल जीतना है, मतलब उनका जो मोटिवेशन है और उनका जो टारगेट है वो है गोल्ड मेडल, हमें कांस्य पदक या फिर सिल्वर मेडल से कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें बस एम है वो हमारा गोल्ड मेडल है, हम गोल्ड मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं, हमें क्वालिफाई की कोई दिक्कत नहीं है कि क्वालिफाई करना है या फिर सिल्वर मेडल से हम खुश नहीं होने वाले, कांस्य पदक से हम खुश है वो नहीं होने वाले, हमारा जो मेन एम है वो रहेगा गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल जीतने के लिए ही हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो इससे जो टीम पर है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल प्रभाव पड़ता है, काफ़ी जागरूक होती है टीम, और काफ़ी मतलब एक संचार होता है उनके अंदर जागरूकता का, और काफ़ी बेहतर तरीके से है वो टीम मोटिवेशनल होती है, जिससे अच्छा गेम का प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। वो एक कहावत है कि अगर राजा ही कमज़ोर हो तो प्रजा कौन सी भी हो राजा हारेगा ही, अगर राजा एक बार अगर स्ट्रोंग है मजबूत है तो उसकी प्रजा में थोड़ी बहुत अगर कमी भी है तो भी वो राजा है वो विन करेगा, जीतेगा हर बार। तो यही जो प्रदर्शन है वो रोहित पोडेल यहाँ पर दिखा रहे हैं, और यही बात है वो उनके नेपाल क्रिकेट टीम के जो वो हैं कोच हैं देसाई जी, वही भी यही बात कर रहे हैं कि हमारा जो एम है वो सिल्वर मेडल नहीं है, कांस्य मेडल नहीं है या फिर क्वालिफाई का नहीं है, क्योंकि अभी जो T20 मैच होने वाले हैं, तो T20 मैच को जो प्राउड कर रहा है या फिर जहां पर T20 मैच होंगे वो नेपाल देश है, और नेपाल में ही T20 मैचेज हैं वो खेले जाएंगे, तो इसके लिए उनको क्वालिफाई करना होगा। तो यही बात वो कह रहे हैं रोहित पोडेल और मोंटी देसाई की, हमें क्वालिफाई करने के लिए हम नेपाल जो एशियन गेम्स 2023 है वो नहीं खेल रहे हैं, या फिर स्वर्ण पदक या फिर कांस्य पदक के लिए नहीं खेल रहे हैं या सिल्वर मेडल के लिए हम नहीं खेल रहे हैं, हमारा जो मेन एम है या हमारा टारगेट है वो रहेगा स्वर्ण पदक, और हम स्वर्ण पदक ही जीत कर हैं वो वापस नेपाल लौटेंगे। इसके अंदर जो अगर जो कर लेती है क्वालिफाई तो वो T20 अंदर मैचेस के अंदर है वो एंट्री ले लेगी सीधा, और नेपाल का जो जोश है जो स्टेनर्जी है और जो प्लेयर्स की स्क्वाड है उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है, उनके अंदर जोश है वो देखकर यही लग रहा है कि
नेपाल की टीम है वो अब की बार विन जरूर करेगी, क्योंकि मंगोलिया की टीम को है वो नेपाल पहले भी दो चार बार हरा चुका है। और संदीप लेमिछा ने भी इसके अंदर बॉलिंग करेंगे, तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त बॉलर हैं। और जो ललित लाजपंसी है उनका मंगोलिया को प्लस पॉइंट है वो मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, नेपाल टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। और इसी प्रकार के वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच के। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ।